सो हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हालचाल। तो जैसा कि सुन सबने थंबनेल पर देख चुके हो, जल्दी वहां से हटो। चलो भाई तुमको दिखाई देते हैं, 3-2-1 चक्कर दे। चक्कर पैसों में अंधा हो गया हूं। तो गाइस ये है गाइस मेरा 2023 का फुल फेवरेट कलेक्शन, तुम यहां पर देख ही सकते हो गाइस। बस गाइस बहुत टाइम लगा भाई इसको सेटअप करने में। ये सारे बेस गाइस मैं अपने घर पे ढूंढ ढूंढ के यार सेटअप किया। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोक दबा के, लाइक ठोक के यहां पे देखिए भाई, जल्दी से ठोक दीजिए। तो गाइस ये है गाइस मेरा 2023 का फुल ब्लेड कलेक्शन, तुम यहां पर देख ही सकते हो। और गाइस ये ब्लेड गाइस मेरा आज आया है गाइस। एक्चुअली 2023 में आना चाहिए था लेकिन आज गाइस ये आ गया। पता अभी सुन। ओके गाइस पहले मैं तुम सबको अपना मेटल बेबेट का कलेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर गाइस मेरे पास तुम देख ही सकते हो इतना सारा मेटल बेबेट्स है भाई। यही गाइस इससे ज्यादा मेरे पास मेटल बेबेट्स नहीं है। और गाइस आज कुछ गाइस नया नया आया है, यहाँ पर तुम देख सकते हो। इसका अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके तो गाइस यही गाइस मेरा 2023 का फुल बेबेट मेटल कलेक्शन, यहाँ पर तुम देख सकते हो। ज्यादा बेबेट्स नहीं है भाई, बहुत ही कम है। देख सकते हो यहाँ पर है भाई डब्लू नेमेसिस, उसके बाद है वेरी एरिस, उसके बाद है गाइस यहाँ पर तुम्हारा ये इसका नाम एक्चुअली मैं भूल गया, साइड क्रोनोस यस। इसके बाद है गाइस है तुम्हारा ये गैलेक्सी पेगासस, आई मीन सॉरी कॉस्मिक पेगासस। उसके बाद डेथ क्वाड कोटल, उसके बाद है गाइस हमारे पास ये तुम्हारा अरे इसका नाम क्या था भाई, ब्लीज यूनिकॉर्न भाई, थोड़ा सा नाम मैं भूल गया हूँ एक्चुअली। और गाइस ये है भाई गार्डन एल्ड्रागो, उसके बाद है भाई एल्ड्रागो डिस्ट्रैक्टर, यहाँ पर तुम देख सकते हो, जिसका भाई ड्राइवर टूट भी चुका है। इसका मॉडिफिकेशन भी मैंने किया है, उसका वीडियो इस चैनल पे है, तुम चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद गाइस है ये छोटा सा बहुत ही प्यारा सा हमारा ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पेगासस, जिसके ऊपर गाइस मैंने ये खुद का भाई बनाया हुआ ड्राइवर मैंने लगा दिया है, यानी कि परफॉर्मेंस टेप। एक्चुअली पेंसिल का है भाई, पेंसिल का सब जो रबर आता है वो मैंने लगा दिया है और दिखने में काफी तकारात्मक की तरह लग रहा है। ओके उसके बाद गाइस आता है यहाँ पर विंग पेगासस, देख सकते हो। इसका भी अनबॉक्सिंग इस चैनल पे है। यहाँ पर गाइस जितने सारे मेटल बेल्ट तुम देख सकते हो, इन सारे मेटल बेल्ट का अनबॉक्सिंग तुमको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो चेकआउट कर लेना यार, प्लेलिस्ट में तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद गाइस हमारे पास है स्क्रू फॉक्स, अब तुम देख सकते हो स्क्रू फॉक्स बे ब्लेड। ओके और भाई आज पता नहीं यार बहुत ही ज्यादा ठंड है यार, सूरज नहीं निकला भाई, बहुत ही ज्यादा ठंड है। तो यार वीडियो बहुत ही मेहनत से बना रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से लाइक ठोको। और गाइस ये है भाई तुम्हारा इविल जिमियोस आई गेस। ओके बहुत पहले इसका अनबॉक्सिंग किया था मैंने 2023 में। और उसके बाद है गाइस बहुत ही कमाल का एक ब्लेड जो है हम सबका बहुत ही फेवरेट ब्लेड, ड्रैगन एम्पायर का ब्लेड जो है गाइस एल्ड्रागो, यहाँ पर तुम देख सकते हो लाइटिंग एल्ड्रागो। उसके बाद है गाइस हमारे पास ये मीटी एल्ड्रागो जो एक्चुअली फेक है, तो स्पिन स्टील उतना अच्छा खासा नहीं कर पाता लेकिन दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। ओके तो गाइस ये है गाइस इस साइड का मेटल ब्लेड, यहाँ पर देख सकते हो, ज्यादा नहीं है भाई। उसके बाद गाइस इस साइड का ब्लेड मैं तुमको दिखा देता हूं, ये है गाइस जेड जुपिटर, यहाँ पर तुम देख सकते हो जेड जुपिटर, जो मैं इसका बस कुछ महीने पहले अनबॉक्सिंग किया था। ओके और इस मेरे पास एक और गाइस गार्डन एल्ड्रागो है जो मेरे को बाय मिस्टेक मिल गया था। उसके बाद गाइस हमारे पास है यहाँ पर तुम्हारा इसका नाम मैं भूल गया एक्चुअली, इसका नाम क्या था मुझे नहीं पता गाइस, एक्चुअली मीटियो एल्ड्रागो है, मीटियो एल्ड्रागो रश आई गेस। ओके उसके बाद गाइस हमारे पास है फ्यूजन हेड्स, तुम यहाँ देख सकते हो, जो गाइस मेरे को काफी ज्यादा पसंद है भाई। इसके साथ जो भाई ये फेक है लेकिन फिर भी गाइस इसके साथ रबर है भाई, ये जो एक्स्ट्रा जो देख सकते हो एक्स्ट्रा जो फ्यूजन एक्चुअली रबर का है गाइस। ओके उसके बाद गाइस हमारे पास है भाई ये फ्लेम सजिटेरियो। ओके नेक्स्ट गाइस हमारे पास है ये छोटा सा, इसका नाम गाइस मैं एक्चुअली भूल गया गाइस, ये कौन सा ब्लेड है मुझे नहीं पता, कमेंट करके बता देना, थोड़ा सा नाम मैं भूल गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्लेड्स हैं, कुछ कुछ ब्लेड्स का नाम मैं भूल चुका हूँ। ओके नेक्स्ट गाइस मेरे पास है यहाँ पर तुम्हारा फ्लैश सजिटेरियो, ये भी फेक है गाइस लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है गाइस, इसका अटैक पावर काफी हद तक सही है भाई और रिकॉइल भी बहुत ज्यादा है, नॉट बैड। उसके बाद गाइस मेरे पास है भाई बहुत ही मेरा फेवरेट एक ब्लेड जो कि है ग्रेविटी डिस्ट्रॉयर, वाओ ये भाई काफी कमाल का एक ब्लेड है भाई। इसका तो भाई बैटल फील्ड तुम सबसे देख लिया है, इसके साथ मैंने एक ब्लेड इसका मॉडिफिकेशन किया था पिछले वीडियो पे। ओके उसके बाद गाइस पता नहीं ये कौन सा ब्लेड है गाइस, ये मैंने खुद बनाया था, मेरे को एक सेट में मिला था, बस ऐसे वैसे करके बनाया था, इसका नाम मैं क्या बोलूं मुझे नहीं पता, बस इसका मैंने नाम रखा है यार स्ट्राइक ब्लेड समथिंग, स्ट्राइक ईगल कुछ इस टाइप का। उसके बाद गाइस हमारे पास है यार तुम्हारा फ्लेम लिब्रा। ओके नेक्स्ट वी हैव दिस गैलेक्सी पेगासस, यहाँ पर तुम देख सकते हो, वाओ ये मेरा काफी फेवरेट ब्लेड है भाई, इसका रंग भी थोड़ा सा उड़ गया। उसके बाद भाई ये कस्टम से एक ब्लेड है जो गाइस मेरे को एक सेट में मिला था, बस ऐसे ही बना के रखा है मैंने। ओके उसके बाद गाइस मेरे पास है डार्क वुल्फ जो गाइस मैंने हाल ही में अनबॉक्सिंग किया था, तुम सबने शायद देख चुके हो। इसके बाद में यार मेरे को रॉकलिन मिलना चाहिए था लेकिन मेरे को यार भेज दिया ये डार्क वुल्फ। ओके उसके बाद गाइस हमारे पास है ये बहुत ही कमाल का एक ब्लेड, आई डोंट नो इसका नाम एक्चुअली भूल गया मैं, भाई इसका नाम मैं भूल गया एक्चुअली, वेरी सॉरी गाइस इसका नाम मैं तुमको बता नहीं पा रहा हूँ, अगर तुमको पता है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो गाइस यही है बेबेट्स था गाइस मेटल का सीरीज का, आई होप तुम सबको समझ में आ गया। मैं अच्छी तरह से तुमको एक और बार अच्छी तरह से रिव्यू करके दिखा देता हूँ ताकि तुमको अच्छी तरह से दिख जाए, यहाँ पर देख सकते हो गाइस ये है गाइस मेरा मेटल का कलेक्शन। नेक्स्ट गाइस वी हैव बेबेट एक्स जो गाइस मेरे को हाल ही में मिला था गाइस, मेरा फोर्थ बेबेट इसका बेबेट, यहाँ पर तुम देख सकते हो। नाइट शील्ड है भाई, उसके बाद है गाइस नाइट शील्ड ब्लू, उसके बाद है गाइस यहाँ पर नाइट शील्ड रेड, तो तीन नाइट शील्ड बेबेट मेरे पास है। उसके बाद गाइस है मेरे पास ये विजर्ड एरो जो गाइस हर किसी को यार पसंद नहीं है भाई, पता नहीं इस विजर्ड एरो को सब लोग इतना हेट क्यों देता है, क्यों पता नहीं फिर भी चला लूंगा भाई। उसके बाद गाइस यहाँ पर तुम हेल्थ साइज ऑरेंज कलर का कस्टम वाला जो मेरे को 3 सेट में मिला था यार बेबेट इसका। उसके बाद गाइस हमारा बहुत ही प्यारा सा एक बेबेट जो कि है इस हेल्थ साइज, हालांकि मेरे पास तो ड्रैंड सोर्ड नहीं है गाइस, किस्मत ऐसी है कि नहीं मिला यार। उसके बाद में मेरे को ये ब्लू कलर का नाइट शील्ड मिला है, फिर यार फ्यूचर में मैं बाय कर लूंगा। उसके बाद गाइस मेरे पास ये विजर्ड एरो ग्रीन कलर का,
ओके, तो यही है इसका खाया बेबलेट डिस्क का बेबलेट, और कुछ लॉन्चर भी यहाँ पर है इस बेबलेट डिस्क का, तो तुम सबको तो पता ही है, तो यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। तो इसमें तुमको अपने बेबलेट बोस का ड्राइवर कलेक्शन भी दिखा देता हूँ। तो मेरे पास गाइस ये बेबलेट डिस्क का जो ड्राइवर, सॉरी बेबलेट बोस का ये ड्राइवर तुम देख सकते हो। तो यही गाइस मेरा जो बेबलेट था बोस का वो टूट गया था, तो उसका ड्राइवर मेरे पास है, तुम यहाँ पर देख सकते हो। तुम समझ ही सकते हो कितना सारा मेटल बेबलेट मेरा टूट चुका है। घर में भी यार बहुत सारे ऐसे बेबलेट्स है पड़ा हुआ है जो भाई टूट चुका है, तो उसका कलेक्शन मैं तुमको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो टूट चुका है एकदम, मतलब लेयर बोलो ब्लेड बोलो सब कुछ टूट चुका है। तो उसका यार ये ड्राइवर है सब मैं कलेक्शन करके रखा है, कस्टम बेबलेट बनाने के लिए मैं यूज करता हूँ। उसके बाद गाइस हमारे पास ये बोस का कलेक्शन, तो पहले गाइस हमारे पास ये गिल्टी लॉन्गिनस जो गाइस एक्चुअली बेबलेट टीवी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर क्लॉकवाइज बेबलेट था और मेरा भी यार काफी फेवरेट एक बेबलेट है। इस वजह से मैंने 2022 में बाय किया था, 2023 में नहीं, हाँ गाइस 2023 में बाय किया था, जनवरी या फरवरी महीने में, आई डोंट नो, इतना ही मेरे को पता है। तो ये भाई गिल्टी लॉन्गिनस। उसके बाद है गाइस ये इसका नाम गाइस मुझे नहीं पता, इसका नाम था आई थिंक रेस डियाबोलोस है, आई हैव नो आइडिया, ये स्पार्किंग का है गाइस, इसका नाम मैं भूल गया, आई थिंक डेथ डियाबोलोस, यस यस इसका नाम है डेथ डियाबोलोस। ये गाइस मैंने ये बेबलेट गाइस मैंने 2022 में बाय किया था, ये 2023 का नहीं है, लेकिन फिर मैं तुमको दिखा रहा हूं ताकि यार वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। जो भी हो, तो गाइस उसके बाद मेरे पास है ये तुम्हारा गैटलिन ड्रैगन जो गाइस मैंने 2023 में बाय किया था। नेक्स्ट गाइस वी हैव दिस न्यू अल्टीमेट वैल्की जो गाइस तुम सबने हाल ही में इसका अनबॉक्सिंग देख चुके हो, वो वीएस सेट में मेरे को मिला था अल्टीमेट वैल्की, ये भी मेरे कलेक्शन पे आ चुका है। उसका गाइस मेरे पास है भाई ये तुम्हारा साइक्लोन रैग्नारोक। नेक्स्ट वी हैव दिस हेलियोस वोल्केनो जिसका यार गिमिक भी टूट चुका है, ये भी यार एमक्यू ब्रांड का एक फेक बेबलेट है। यहाँ पर सारे बेबलेट्स फेक है, एक भी बेबलेट गाइस तकारा तुम्हें नहीं है क्योंकि अपन का भाई किस्मत ही खराब है, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। मैंने तकारातमी का बेलेट ऑर्डर किया था लेकिन स्कैम हो गया मेरे साथ, मेरे पास बेलेट इसका तकारातमी बेलेट आना चाहिए था लेकिन आया नहीं गाइस, उसके बाद मेरे को फेक मिल गया। तो भाई एक टाइप से सही है भाई, मान लेता हूँ, लेकिन हाँ फ्यूचर में ऐसा दिन आ गया, देख लेना मेरे पास भी बहुत सारे तकारातमी बेलेट होगा। यही नहीं अभी और सुनिए, अभी के लिए भाई फेक से मैं चला रहा हूँ अपना चैनल। तो गाइस ये था भाई हेलियोस वोल्केनो, हालांकि गाइस मेरे पास भाई वो हाइपरन भी था वो टूट गया गाइस, हाइपरन भाई टूट गया इसलिए भाई मेरे पास नहीं है। उसका ड्राइवर तुम यहाँ पर देख सकते हो हाइपरन का ड्राइवर, तो तुम सबको पता है कि मेरे पास एक्चुअली हाइपरन था लेकिन अब नहीं है भाई। ओके, उसके बाद गाइस हमारे पास है ये डेंजरस बिलियल, इसके साथ गाइस मैंने एक्चुअली डिवाइन विलन का कोर लगा दिया है क्योंकि मेरा जो डिवाइन विलन है उसका भाई जो ब्लेड वो टूट गया था, उसका ड्राइवर तुम यहाँ पर देख ही सकते हो, तो इसके साथ मैंने लगा दिया था, देखने में काफी सही लग रहा है। और तुम सब देख सकते हो यार धूल लग गया है भाई, एकदम धूल लग चुका है यार बेलेट के ऊपर क्योंकि मैं लगभग काफी महीने से यार बेलेट बोस यूज नहीं कर रहा हूं, तो एकदम धूल पर यार बेलेट बहुत ज्यादा खराब हो गया है। फिर भी अगर हो सके तो मैं इस सारे बेलेट्स को वॉश कर लूंगा। उसके बाद मेरे पास है ये ग्रेटेस्ट राफायल जिसका गेमिंग टूट चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ही अच्छा खासा काम करता है, इसको मैं बहुत पहले बाय किया था 2023 में ही बाय किया था। उसके बाद गाइस हाल ही में जो बेलेट मैंने अनबॉक्सिंग किया था ये एक्चुअली मेरे साथ स्कैम हुआ था, इसके बदले मेरे को एक सेट मिलना चाहिए था लेकिन उसके बदले मेरे को भेज दिया था ये डिवाइन बिलियल। तो हाँ गाइस ये भी मैंने अनबॉक्सिंग किया था, इसका भी अनबॉक्सिंग तुमको चैनल पे मिल जाएगा। और इस वक्त मैंने ये वीएस गियर लगा दिया था जो गाइस मेरे को वीएस सेट में मिला था। ओके, नेक्स्ट गाइस यहाँ पर ये छोटा सा बॉक्स के अंदर जो बेलेट से मैं तुमको दिखा देता हूँ, यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरे पास है गाइस ये ज़ाइफोर स्कैलियर जिसको मैं किसी भी तरह कलर करके बस ऐसे यूज कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है भाई, इसका एक बाई करना पड़ेगा मेरे को। ओके, उसके बाद है गाइस अल्टीमेट वैल्की जो गाइस हमको सबसे पहले जो अल्टीमेट वैल्की था वो है इसका फर्स्ट वर्जन, उसका दूसरा वर्जन तो ये है जिसे सब गाइस व्हाइट कलर का डीबी को आता है, तो गाइस यहाँ पर तुम देख सकते हो ये है भाई अल्टीमेट वैल्की। उसके बाद है गाइस एस्ट्रल स्प्रेगन देख सकते हो यहाँ पर काफी सही कंडीशन पे है अभी भी। उसके बाद है गाइस बो स्प्रेगन जो गाइस मेरे को वीएस सेट में मिला था, तुम सबने शायद अनबॉक्सिंग देख चुके हो। ओके, नेक्स्ट गाइस ये है गाइस मेरा खुद का एक कस्टम सा बेलेट है जो गाइस मैंने खुद इधर उधर काट के बनाया है, ये तो जो भी गाइस ये है भाई हमारा एक छोटा सा डायनामाइट बिलियल कस्टम वर्जन वाला मैंने खुद बनाया है। ओके, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर एक स्पार्किंग वाला बेलेट है जो एक्चुअली फर्स्ट यूरेनस बेलेट था, इसको गाइस मैंने बाद में यार कस्टमाइज करके कुछ ऐसा बेलेट बना दिया है। और इसके साथ गाइस जो तुम चीप देख सकते हो यार बेलेट स्पार्किंग का एक्चुअली हाइपेरियन का हाइफन बर्न का वो मैंने लगा दिया है, तो ये एक बड़ा स्पार्किंग का एक बेलेट है। उसके बाद गाइस हमारे पास है प्रोमिनेंस फीनिक्स, यहाँ पर तुम देख सकते हो ये भी एकदम सही कंडीशन पे है भाई। ओके, उसके बाद है गाइस वॉल स्प्रेगन जो मेरा काफी एक फेवरेट बैलेंस टाइप बेलेट है, बेलेट जो स्पार्किंग सीरीज का है, जो स्पार्किंग सीजन का, यहाँ पर तुम देख सकते हो ये है वॉल स्प्रेगन एमक्यू ब्रांड का। ओके, उसके बाद है गाइस मेरे पास चेन कर्बियास जो भी काफी सही कंडीशन पे है, इसको भी गाइस मैंने ये 2023 में अनबॉक्सिंग किया था। उसके बाद गाइस मेरे पास है ये डेथ सोलोमन। ओके, उसके बाद गाइस यहाँ पर तुम देख सकते हो ये है भाई हमारा ये इसका नाम है कर्ज सतुम आई गेस, हाँ गाइस कर्ज सतुम। उसके बाद है गाइस वैनिश फैफनियर, यहाँ पर तुम देख सकते हो जो एकदम फुली फेक है गाइस, ये एमक्यू ब्रांड का है तो इसके साथ कोई रबर नहीं है। उसके बाद गाइस एक है टर्बो बेबलेट जो एक ही गाइस मेरे पास चोजी बेलेट है जो कि गाइस ये फोनियस बेलेट आई गेस। ओके, उसके बाद गाइस मेरे पास है ये प्रोमिनेंस वैल्की बेबलेट जो गाइस बेलेट डीबी में यार काफी ज्यादा रेटिंग मिला था, ये बेलेट काफी ज्यादा कमाल का एक बेलेट है भाई, इसके साथ गाइस जो कॉम्बो आते हैं वो काफी कमाल का एक कॉम्बो है। नेक्स्ट गाइस वी हैव साइक्लोन रैग्नारोक ब्लू कलर वर्जन कस्टम बेलेट जो एक्चुअली तुमको वो एस्ट्रल स्पेगन का जो सेट है उसके साथ मिलेगा। एंड फाइनली वी हैव दिस बोस बेबलेट एंड दैट इज एक्चुअली सेवर पर्स्यूज जो उतना अच्छा खासा बेलेट तो नहीं है, और इसके साथ मैंने कुछ ऐसा कॉम्बो बना दिया है और इसके साथ मैंने एक कस्टम ड्राइवर भी लगा दिया है, यहाँ पर तुम देख सकते हो। ओके गाइस, आई थिंक यहाँ पर मैंने तुमको सारे के सारे बोस बेलेट का कलेक्शन शायद दिखा दिया है, अगर कोई मिस हो गया तो मेरे को कमेंट करके बता देना। ओके, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत सारे बेलेट से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ, और अचानक से यार फाइनली सूरज आ गया भाई, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा सर्दी का मौसम है और ठंड भी है। ओके भाई, और ये सारे यार कुछ एक्स्ट्रा फेक बेलेट्स जो गाइस आज ही आया भाई, आज ही मैंने ले आया,
और गाइस यहाँ पर मैंने तुमको और भी बाकी सब कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पर गाइस और भी है गाइस, ये मेरा है बेबेट एक्स स्टेडियम जो गाइस मैंने ये हाल ही में अनबॉक्स किया था, तुम सबको तो पता ही है। ओके इसके बाद है गाइस बोस स्टेडियम, यहाँ पर तुम देख सकते हो। और कुछ गाइस लॉन्चर, यहाँ पर गाइस पार्किंग का एक लॉन्चर है जो गाइस बहुत पुराना है, शायद इसको मैंने 2022 से 21 में बाय किया था, मुझे नहीं पता। और एक भाई बोस का लॉन्चर है जो गाइस मेरे को बीएस सेट में मिला था, इसको मैंने मेटल लॉन्चर में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद गाइस है यहाँ पर एक बोस का लॉन्चर जो मेरा काफी ज्यादा फेवरेट है गाइस, और मेरे को ये काफी ज्यादा पसंद है भाई, मेरा फेवरेट ब्लू कलर और व्हाइट कलर का है। और यहाँ पर एक बुलेट इसका लॉन्चर है, साथ में बहुत रिपोर्ट का लॉन्चर है, तुम देख सकते हो। और ये सब बाकी सारे बोस फेवरेट्स। ओके तो यही था भाई, तुम यहाँ पर देखिए, तो यही था गाइस मेरा बुलेट कलेक्शन। और इन सारे बुलेट का अनबॉक्सिंग बहुत जल्दी आएगा, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए।